फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलाद्दालीन। सल्लम अला मुहम्मद सलावात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد عبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما صلوات सूरह मुबारक अहज़ाब की आय करीमा जिसे आज 9 मुहर्रम की मजलिस में भी तिलावत किया। वक्त तंग भी है और अपने अशरे के मौजू को खुलासतन और नतीजतन भी बयान करना है, साथ में पाक मुहर्रम एसोसिएशन के साथ आपके तआवुन का जो अंदाज़ हर साल होता है उसे भी दोहराना है। मैं बाकायदा अपनी बात का आगाज़ करने से पहले पाक मुहर्रम के रज़ाकारों से कहूँगा कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं गुज़रते चले जाएं और मोमिनीन से उनका जो हिस्सा है वो वसूल करते चले जाएं। मैं इतनी देर आपसे गुजारिश करूँगा कि इस राह में यानी राह तक़वियत इस्लाम में हज़रत नबी मुकर्रम के हमराह और आज तक जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, शहदाए बद्र, शहदाए अहद, शहदाए खैबर व खंदक और फिर शहदाए जंगे जमल, जंगे सिफीन, जंगे नहरवान जो मौला के साथी शहीद हुए और फिर सबसे बड़ी शहादत शहादत उज़्मा ज़िबह अज़ीम यानी हज़रत सैयद शहदा और उनके असहाब की तजलील व तकरीम के लिए आज 9 मुहर्रम को हदिया करें, नज़र करें एक सूरह फातिहा। इस दौरान ये वॉलंटियर अपने कारकर्दगी को मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you.
परवरदिगार आलम अपने हबीब की अजमत को कुरान मजीद में बयान कर रहा है। ऐलान हुआ मा कान मुहम्मद आबा अहद मिन रिजालिकुम, हमारे मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। वलाकिन रसूलुल्लाह, ये हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वह खातम नबीयीन, और ये नबियों के खातम हैं। कान अल्लाह बिकुल शैइन अलीमा, अल्लाह हर शय के बारे में बेहतर जानने वाला है। अजीजाने गिरामी, गुफ्तगू हुई कि अल्लाह ने नबियों को इसलिए मबूस किया ताकि वो लियसीरु लहुम दफाइन अलुकूल, अल्फाज मौला अली के हैं, भेजे गए हैं पैगंबर मकसद बेसद अली बयान कर रहे हैं। और जुमला मेरे मौला का नहजुल बलागा में एक अजीम जुमला है, फरमाते हैं कि नबी को इसलिए मबूस किया गया ताकि गर्द आलूद अकलों को साफ करके उन्हें काम करने का मौका नसीब हो। अल्लाह ने हर इंसान को साहिब अकल खल्क किया है, और इंसान अगर अपनी अकल को इस्तेमाल करे तो उसके तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलात, उसकी तमाम परेशानियाँ, वो ज़ाती हों, वो इज्तमाही हों, वो फर्दी हों या समाजी हों, वो उसकी अकल हल करती हुई दिखाई देती है। ये माहौल की गर्द, ये वालदैन की तरबियत में मनफी पहलू, यह असातिज़ा की गैर जिम्मेदारी, ये साथियों का मनफी होना, ये दोस्तों का गैर मुनासिब होना, ये हुक्मरानों का बातिल और नामुनासिब होना, ये सब वो असबाब हैं जो अक्ल पर गर्द डाल देते हैं। और जब अक्ल गर्द आलूद हो जाती है, अक्ल जब मट्टी के नीचे दब जाती है, दफीना करार पाती है, दफन शुदा हो जाती है, तो फिर उसे काम करने का मौका नसीब नहीं होता, वो इस्तेमाल में नहीं आती, वो अपना काम नहीं कर पाती। मौला अली नहजुल बलागा में बेसत अंबिया का मकसद बयान कर रहे हैं, फरमाया बेसत अंबिया का मकसद यह है कि लियसीरु लहुम दफाइन अलुखूल, ताकि ये अकलों को गर्द आलूदगी से और गर्द की आलूदगी से निकाल कर काम करने का मौका दें। ये परवरदिगार आलम ने इंसान की हिदायत का सामान किया है। एक बातनी हादी है जिसे अकल कहा जाता है, और एक ज़ाहरी हादी है जिसे नबी, रसूल और इमाम कहा जाता है। अजीज़ाने गिरामी, जब बात आएगी नबुवत आम्मा की, तो हज़रत आदम से लेकर और हज़रत ईसा तक तमाम नबियों की फजीलतों का बयान होगा, लेकिन जब बात आएगी नबुवत खासा की तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। और वो जिक्र दर हकीकत सारे जिक्रों पर गालिब है, इसलिए कि अल्लाह ने हर उम्मत के लिए एक शहीद बनाकर भेजा। कैफा इज़ा जेना मिन कुल उम्मतिन बिशहीद, ऐ मेरे हबीब देखो कि हमने हर उम्मत के लिए एक शहीद और एक गवाह और एक नबी और एक रसूल बनाकर भेजा। व जेना बेका अलाहा उला ए शहीदा, हर नबी अपनी अपनी उम्मत के लिए गवाह, मगर अल्लाह के नबी आखिरी पैगंबर खातमुल अंबिया की खातमियत की दलील यह है कि हमारे पैगंबर जो हमारी इज्जत और हमारा इफ्तखार है कि हम उस जमाने में हैं कि हम पैगंबर अकरम के आखिरी पैगंबर के जमाने में हैं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मैंने हर उम्मत के लिए गवाह बनाया, वजेना बिका अला हा उलाए शहीदा, और मैंने सारे नबियों पर अपने मोहम्मद को गवाह बनाया है। अजीजाने गिरामी, नबी मुकर्रम के हाजिर और नाजिर होने के लिए यह बेहतरीन दलील है। हमारे पैगंबर, पैगंबर खातम, नबी मुकर्रम तमाम कायनात के ऊपर हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। मेरे मौला नबी ने एक मरहले पर इरशाद फरमाया कि जब तुम हमसे सवाल करते हो तो ये तवक्को मत रखो कि हम सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये सारी कायनात हमारे लिए कफे दस्त की तरह है। जैसे किसी इंसान का हाथ उसके लिए रोशन और वाजे होता है, इसी तरह पूरी दुनिया मोहम्मद मुस्तफा के लिए वाजे और रोशन है। वो पूरी मिलकर सलवात पढ़ेंगे बाबा आज बनाता,
वो पूरी कायनात के लिए हाजिर हैं, वो पूरी कायनात के लिए नाजिर हैं। अजीजाने गिरामी, उनकी नजारत इस जाहिरी आंखों से नहीं है, उनकी बसारत इन जाहिरी दो आंखों से नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम ने उन्हें अपने नूर से खल्क किया है। फरमाया अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, मैं खुलासा बयान कर रहा हूं पूरे शरे का, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को खल्क किया, और फिर इस नूर मोहम्मदी से अल्लाह ने 123,999 पैगंबरों को खल्क किया, और हर नबी के नूर से अल्लाह ने एक वली और एक वसी को खल्क किया, और फिर पूरी कायनात को अल्लाह खल्क करता चला गया। ये जमीन सदका है मोहम्मद का, ये आसमान सदका है मोहम्मद मुस्तफा का, दुनिया अगर सांस ले रही है तो नबी के नाम पर ले रही है, ये जिंदा है तो उनके नाम पर, ये मरेंगे तो उनके नाम पर। बेकुम फतह अल्लाह व बेकुम यख्तिम, ए आले नबी, ए नबी और आले नबी, अल्लाह ने सारी दुनिया आपकी वजह से बनाई है और आप ही की वजह से खत्म भी कर देगा, और जब तक नबी मुकर्रम का वजूद जमीन पर और आसमान के नीचे मौजूद है और इस कायनात के अंदर मौजूद है, यह दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। हम हयात पैगंबर के भी कायल हैं और वाकया रहलत के भी कायल हैं। वाकया रहलत हुआ, पैगंबर अकरम की रहलत हुई, मौलाए कायनात ने गुस्ल कफन दिया और उस जगह नबी मुकर्रम को जमीन के हवाले किया कि जहां आज आपका रोजा अकदस है, और हम हयात पैगंबर के भी कायल हैं, इसलिए कि मौजजा मौजूद हो और साहिब मौजजा मौजूद ना हो, नहीं हो सकता। अज़ीज़ाने गिरामी, हजरत मूसा के साथ उनका मौजजा चला गया, हजरत नूह के साथ उनका मौजजा चला गया, हजरत ईसा के साथ उनका मौजजा चला गया, लेकिन अगर हमारे पैगंबर का मौजजा यानी कुरान बाकी है तो मानना पड़ेगा कि मोहम्मद भी कहीं गए नहीं है, वो हमारे ही दरमियान है। बस पहचानने के लिए मारिफत की निगाहें चाहिए, और वो जो निगाहें पहचानने के लिए जरूरी हैं अजीजाने गिरामी, वो अल्हम्दुलिल्लाह नबी मुकर्रम के मानने वाले रखते हैं, और वो जो नबी का वजूद आज हमारे दरमियान है, उसे अगर इन चार मिसरों में मैं खुलासा कर दूं और अपने मतलब को और मुद्दा को यहां रोशन कर दूं, शायर कहता है इमाम जितने हैं एक नूर से है सबका खमीर, इमाम जितने हैं एक नूर से है सबका खमीर, है इनमें सभी मोहम्मद सगीर हो के कबीर, ख्याल है कि नजरबंदी मुसव्विर ने उलट पलट कर दिखाई ना हो वही तस्वीर, सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज इमाम मेहदी की तस्वीर में मोहम्मद मेहदी जिंदा है, दर हकीकत सरकार गए नहीं है। लिहाजा एक रिवायत जो आपके तबर्रुकात के बाब में मौलाए कायनात ने बयान की, जब नबी मुकर्रम की शमाइल के बारे में सवाल किया गया, या अली हमारे लिए नबी को बयान कीजिए, कान्नना नरा हो, ऐसे बयान कीजिए अली जैसे हम नबी को देख रहे हो, और सहाबाए किराम नबी को याद करना चाहते हैं, ताबईन नबी को दोहराना चाहते हैं, सरकार के जिक्र को अपने जहनों से गुजारना चाहते हैं, और पूछ भी रहे हैं अली इब्न अबी तालिब से। तो मेरे मौला ने नबी मुकर्रम के शमाइल बयान किए हैं, जो मुफस्सल रिवायत शहर इब्न आशोब ने मनाकिबे आले मोहम्मद के अंदर लिखा है, और अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में यह मुफस्सल रिवायत मौला अली से लिखी है। उस रिवायत को बयान करते हुए जब मौला पहुंचते हैं इस मरहले पर कि नबी के तबर्रुकात क्या थे, यानी हर वो चीज जिससे नबी का बदन मस हो गया वो तबर्रुके पैगंबर कहलाया, अब वो मेंबर है, सलवात भेजे जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो मेंबर हो, वो आपके हाथ में आ जाने वाली तलवार हो जुल्फकार, वो घोड़ा खच्चर गधा ऊंट या नर या मादा नाका या ऊंट हो, जिस सवारी पर पैगंबर बैठ गए वो तबर्रुक हो गया। मौला बयान कर रहे हैं, मौला अली बयान कर रहे हैं, मिंबर पर पैगंबर बैठ गए वो तबर्रुक हो गया, पैगंबर अकरम ने जहां पैर रख दिए वो बाबरकत जगह हो गई, जो कुआं कड़वे पानी का होता था पैगंबर लुआब डाल दे तो वो मीठा पानी हो जाता था। अजीज आने गिरामी, पैगंबर अकरम से मंसूब हर चीज बाबरकत करार पाई,
कल की मजलिस में मैंने कहा था मौला अली ने इन्हीं तबरुकात का तस्करा करते हुए फरमाया कि इजा मशा अला अर्ज सहला सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मौला बयान फरमा रहे कि जब नबी किसी सख्त जमीन पर कदम रखते थे, तवज्जो चाहूंगा इस जुमले के ऊपर, अली के जुमले हैं पैगंबर की मिदहत बयान करते हुए, फरमाते हैं जब पैगंबर किसी सख्त जगह पर कदम रखते थे तो उस सख्त पत्थर पर पैगंबर के पैरों का असर और निशान आ जाता था। आपके जहन में नेशापुर का कदम भी है, हैदराबाद के कदम का भी है। नबी मुकर्रम जहां किसी सख्त पत्थर पर पैर रखते थे तो असर आ जाता था, और मौला फरमाते हैं जब नरम मट्टी पर पैर रखते थे तो असर नहीं आता था। अल्लाह अकबर, हमारे यहां तो बरक्स है, हम अगर नरम मट्टी पर पैर रखे तो असर आता है और सख्त पत्थर पर पैर रखे तो असर नहीं आता। मौला फरमाते हैं जब वो सख्त पत्थर पर पैर रखते थे तो असर आ जाता था, पैर छप जाता था, पैर का निशान आ जाता था, पाए मुबारक छप जाते थे, लेकिन जब मट्टी पर और नरम जगह पर पैर रखते थे तो निशान नहीं आता था। मौला से पूछ लिया, या अली आप बताइए कि इसका सबब क्या है, दुनिया में तो इसका मुशाहिदा बरखिलाफ है। फरमाने लगे जो नबी के सामने अकड़ कर बात करे नबी उस पर असर डाल देते हैं, सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उन तबर्रुकात के अंदर तवज्जो चाहूंगा, उन तबर्रुकात के अंदर नबी मुकर्रम का एक तबर्रुक है जिसे जिरह कहते हैं। नबी की दो जिरह हैं, एक जो हजरत ने अक्सर पहनी, जो मौला कायनात फिर इमाम हसन फिर इमाम हुसैन तक मुंतकिल हुई, और एक जिरह एक दिन पहनी और उसे रख दिया, फरमाया ये वही पहनेगा जिसका बदन मेरे बदन की तरह है, फरमाया ये वही पहनेगा जिसका कामत मेरे कामत की तरह है, फरमाया ये वही पहनेगा जिस पर मेरी तरह ये पूरी सजती हुई दिखाई देगी। पूछने वालों ने पूछ रहा, या रसूलल्लाह वो कौन है जिसकी कामत और जिसका बदन आपके बराबर है? कहा आखिरी जमाने में आने वाला मेरा मेहदी है जिस पर ये पूरी उतरेगी। अजीजा निगरामी, लिहाजा पैगंबर अकरम हमारे दरमियान मौजूद हैं, और खास तौर पर तासुआ और आशूरा नबी का ये फर्जंद हमसे पुरसा लेने के लिए मजलिसों में जरूर आते हैं। इनके जहूर के लिए भी ये अज़ादारी, ये मजालिस, या आपकी मेहनत, या आपकी मशक्क़त, या आपका जिहाद, इमाम के जहूर की मुकदमा साजी और इमाम के जहूर के लिए आमादगी का इजहार भी है। या लैतना कुन्ना माकुम, हम अगर होते तो आपका साथ देते, करबला में हुसैन तन्हा ना होते, ये मजमा, ये लोग हर जगह पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के हर शहर में सैकड़ों की तादाद में मजालिस और जुलूस, जिधर हकीकत एक लब्बैक है हुसैन इब्न अली की उस आवाज पर जो आपने फरमाया था, हल में ना सरन यंसुरना, कोई है जो हमारी मदद करे, तो यह जदार, ये मातमी, ये गमगुसार, ये गोया अपने आप को हाजिर करके कहते हैं कि हम हाजिर हैं। यह आमादगी है इमाम के जहूर के लिए। एक इमाम मासूम का साथ नहीं दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि एक और इमाम मासूम को ये दुख रहे, लिहाजा ये मजमा आमादा है, ये मजमा आमादा है अपनी खिदमात को पेश करने के लिए। आज की इस नौ मुहर्रम की मजलिस में अपने मौजू को ततमे के तौर पर और इख्तिताम के तौर पर दो जुमले और आपकी समातों के हवाले करूँगा। अजीज़ा निगरामी, पैगम्बर अकरम ने अल्लाह के दीन को अपने अखलाक से और अपने किरदार से आम किया है। आपके मनाकिब और फजाइल, आपकी सीरत और आपके किरदार और आपके अखलाक के बगैर मुकम्मल नहीं शुमार किए जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में जो सबसे बारिज और रोशन पहलू है वह है आपका रहमतुल आलमीन होना, आलमीन के लिए रहमत होना। पैगंबर अकरम रऊफ़ हैं, रहीम हैं, करीम हैं,
और ये अल्फाज कुरान के हैं। मेरी और आपकी मुश्किल दोहरी है, जब हम अल्लाह के नामों को नबी के साथ मुत्तसिफ करते हैं तो गोशा किनार से आवाज़ें आती हैं कि मुशरिकाना गुफ्तगू है, लेकिन अगर कुरान मजीद को पढ़ लिया होता तो फिर ये सारे जवाबात उसमें मौजूद हैं। अल्लाह ने अपने नाम अपने नबी को दिए हैं, बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, मेरा नबी मोमिनीन पर रऊफ भी है रहीम भी है। ज़रा जाकर देख लीजिए कि अल्लाह के उन 99 नामों में रऊफ है या नहीं है, अल्लाह के उन नामों में रहीम है या नहीं है। अल्लाह का नाम है रऊफ, अल्लाह का नाम है रहीम, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी के लिए रऊफ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और रहीम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। परवरदिगार आलम अपने हबीब की अजमत मुकम्मल कुरान मजीद के अंदर बयान कर रहा है, और नबी की जो सीरत है उसके अंदर वाज़े और बारिस और रोशन पहलू जो है वो आपकी बर्दाश्त और तहम्मुल मिजाजी है। हर नबी ने अपनी इंतहाए बर्दाश्त का इजहार कर दिया बद्दुआ की सूरत में। बहरहाल एक मरहला ऐसा आया, किसी ना किसी हर नबी की जिंदगी में कोई ना कोई मरहला ऐसा जरूर आया जब उन्होंने कहा या अल्लाह इन पर आजाब नाजिल कर दे। और ऐसा हुआ हजरत नूह के जमाने में जो यह आजाब आया है, यह दर हकीकत वही हजरत नूह की तमन्ना थी। हजरत अय्यूब उस मरहले पर आकर रुक गए कि जब उनकी जौजा के साथ बेहुरमती का मरहला आया, कहा या अल्लाह अब बर्दाश्त नहीं होता। जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, हर नबी ने अपनी बर्दाश्त की इंतहा बताई मगर हमारे पैगंबर ने अपनी बर्दाश्त की इंतहा नहीं बताई। किसी मरहले पर भी नबी ने बद्दुआ नहीं की, सख्त तरीन दुश्मनों के लिए कहा रब्बिरहम इन्नहुम ला यालमून, या अल्लाह इन्हें माफ कर दे ये जानते नहीं है। सलवात भेजे हजरत पैगंबर पर। हत्ता जिन लोगों ने नबी मुकर्रम को तकलीफें पहुंचाई, नबी की तकलीफ बदनी तकलीफ से ज्यादा रूहानी तकलीफें थी, पैगंबर को रूही तकलीफें ज्यादा दी गई और इतनी रूही तकलीफें दी गई कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया मा उदिया नबी उन कत्तो कमा उदीत, किसी नबी को इतनी तकलीफें नहीं दी गई जितनी मुझ मोहम्मद को तकलीफें दी गई। वो पत्थरों का मारना तकलीफ नहीं था, इसलिए कि ऐसे मरहले और ऐसी मंजिलें तो और भी शख्सियात और भी अंबिया इकराम के साथ पेश आती रही, वो रूही तकलीफें थी। वो नबी की रूह को जो तकलीफ पहुंचती थी वो फरमा रहे हैं, उसके बावजूद भी जब उन लोगों को बांध कर खड़ा किया गया जिन्होंने नबी को तकलीफें पहुंचाई थी और आपका गुजर हुआ, हजरत फरमाइए कौन लोग हैं, क्यों इनके हाथ बांधे हुए हैं। अल्लाह अकबर, कहने लगे ये वही है जिन्होंने आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, ये वही है जिन्होंने आपको अजियतें पहुंचाई। हजरत फरमाए इधाबू अंतुमुत्तलाका, इनको कहो ये चले जाए, मैंने इन्हें आजाद कर दिया, मैंने इन्हें माफ कर दिया। और ये पैगंबर का जुमला कि जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ये जुमला वो जुमला है जो जनाबे ज़ैनब ने दरबारे शाम में दोहराया था। यजीद से खिताब करते हुए फरमाया था अंता बनुत्तलाका, तुम उनमें से हो जो आजाद शुदगान की औलाद हैं, तुम्हारे अजदाद को मेरे जद ने आजाद किया था, याद दिलाया था। नबी मुकर्रम का अंदाज यह है, आप गुजर रहे हैं एक जगह से, एक यहूदी खातून अपना सामान उठाकर ले जा रही है, यहूदन है, उसे सामान उठ नहीं रहा, उसे असबाब उठ नहीं रहा, पैगंबर ने उसको मदद की, घर तक पहुंचा दिया। जब घर पहुंचाया, पैगंबर है, असहाब को इशारा फरमा रहे हैं, असहाब को रोक रहे हैं कि यह काम मुझे करने दो, और जब उसे घर पहुंचा दिया तो कहने लगी तुम बहुत अच्छे जवान हो, तब एक नसीहत भी सुन लो, बनी हाशिम के खानदान में एक जवान जाहिर हुआ है जो बहुत बुरा है, खबरदार उसके करीब मत चले जाना, वो तुम्हें बहकाएगा, वो तुम्हें गुमराह कर देगा। हजरत फरमाया उसका नाम क्या है, कहने लगे वो अब्दुल्ला का बेटा है, मोहम्मद नाम है। हजरत ने फरमाया मैं ही वो मोहम्मद हूं। एक मरतबा कदमों पर गिर गई, कहने मैंने तो कुछ और सुना था, तुम इतने बड़े आदमी होकर मेरा सामान उठा रहे हो,
یہ انداز. یہی رک کر میں ایک جملہ کہوں گا عزیزو, میری قوم کی خوبیاں طویل ہیں, ایک فہرست ہے طویل ہماری قوم کی خوبیوں میں, لیکن عزاداری سے متعلق ایک کمی دکھائی دے رہی ہے مسلسل پچھلے سالوں سے, اور وہ یہ کہ جس کی سماجی اعتبار سے حیثیت بڑھ جاتی ہے, جس کی پیسے اور دولت کے حسابات سے حیثیت بڑھ جاتی ہے, وہ پھر فرش نہیں بچھاتا, وہ پھر جوتیاں سیدھی نہیں کرتا, پھر وہ اپنے ہاتھ سے تبرک تقسیم نہیں کرتا, پھر وہ عزاداروں کے آگے کھڑے ہو کر ان کا استقبال نہیں کرتا. عزیزو, پیسے کا بڑھ جانا حسین سے دور نہ کر دے, خبردار, اپنے اندر فقیری کو رکھیے, اپنے اندر عاجزی کو رکھیے. حسین ابن علی ان لوگوں کو زیادہ نوازیں گے اور عطا کریں گے کہ جن کے پاس حیثیت بڑی ہے مگر مزاج میں فقر ہے, مزاج میں ان کے انکساری ہے. بیمار اور مجبور لوگوں کا کرسی پر بیٹھنا یہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن معمولی سے عذر کے اوپر مجلس کے فرش کو چھوڑ دینا, اسے ثقافت مت منائیے, اسے اپنی زندگی کا حصہ مت بنائیے. جتنا آپ کا سماجی حیثیت بڑھتی چلی جائے اتنا ہی حسین کے آگے جھکتے چلی جائیے, اور حسین کے آگے جھکنے کا ایک انداز یہ ہے کہ انہیں عزاداروں کے احترام میں اضافہ ہونا چاہیے. اپنے ہاتھ سے تبرک بنائیے, اپنے گھر میں مجلس کیجئے, امام حسین کے فرش کو خود سیدھا کیجئے. اگرچہ بہت اچھا انتظام اس سال پاک محرم ایسوسی ایشن نے کیا ہے, نشتر پارک کے اندر بہت اچھا انتظام کیا ہے, بزرگوں کے لیے نشست کا اہتمام ہے, اس جگہ کو بھی وسیع کر دیا ہے, فرش بھی نسبتاً بہتر ہے, لیکن عزیزان گرامی کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ اگر میرے اپنے گھر میں مجلس ہو تو اس پہ چاندنی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس پہ ہار ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اور بہت سارے اہتمام جو میں اپنے گھر میں مجلس میں کرتا ہوں وہ مجھے یہاں کرنا چاہیے یا نہیں, اور پاک محرم ہی کیوں کرے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان عزاداروں میں سے کسی نے دیکھ لیا ہے کہ کسی چیز کی کمی ہے تو بڑھ کر کہے کہ میں اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں, صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, پیغمبر اکرم ختم نبوت کا عنوان لے کر آئے ہیں. بس میں آخری جملہ کہہ کر چند مسائل کی طرف آپ کی توجہات مبذول کرانا چاہوں گا, اور وہ آخری موضوع یہ ہے کہ نبی کیونکہ خاتم ہے تو نبی کے بدن مبارک پر ختم نبوت کی مہر بھی تھی. پورا بدن مبارک سرکار کا پروردگار عالم کی جانب سے مہر شدہ تھا. نبی مکرم کے اصحاب نبی مکرم کے بدن پر موجود ختم نبوت کی مہر کو دیکھنا پسند کرتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ وہ مہر ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے, اس کی زیارت کریں. اپنے آخری ظاہری ایام میں رحلت سے کچھ قبل سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کا حق میری گردن پر ہے تو لے لے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا, یا رسول اللہ, آپ اپنے جانور کو تازیانہ مار رہے تھے, وہ مجھے لگا تھا, مجھے بدلہ چاہیے. حضرت نے تازیانہ لے کے ان کے حوالے کر دیا, کہا مارو مجھے, بدلہ لو مجھے, مارو. وہ آگے بڑھا کہنے لگا, یا رسول اللہ, اس وقت میرے بدن پہ قمیص نہیں تھی. حضرت نے فرمایا, تم چاہتے ہو کہ میں اپنی پیرہن لوٹ دوں؟ اور حضرت نے اپنا پیرہن لوٹ دیا اور کہا آؤ مار لو. قریب آیا اور مہر نبوت کا بوسہ لے لیا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ, میں یہ گستاخی کیسے کرتا, مجھے تو اس مہر نبوت کی زیارت کرنی تھی. آپ نے دیکھا کہ جب صحابیت کمال پر جاتی ہے تو مہر نبوت کا بوسہ لیتی ہے, اور جب اہل بیت کمال پر جاتے ہیں تو مہر نبوت پر بیٹھ جایا کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. نبی مکرم کے بدن مبارک پر مہر نبوت تھی, اور مہر نبوت کا جملہ کیا تھا وہ سنتے جائیے گا.
یہ بھی ذکر کی ایک تصویر ہے. توجہ ہے سو شیتا فانت منصور. اے میرے نبی, مہر نبوت کا جملہ, اے میرے نبی جہاں توجہ کرو گے کامیابی تمہارے ساتھ ہے. عزیزان گرامی, آج نبی مکرم کی توجہ حسین کے غم کی طرف ہے. یہ ایسے ہی کامیاب نہیں ہے. ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا, برادران اہل سنت کے بڑا محدث ہیں, خواب میں دیکھا کہ نبی کے سر پہ امامہ نہیں ہے. روز شہادت حسین, روز عاشورہ, ام سلمہ محو خواب تھیں, خواب دیکھ رہی ہیں نبی کے سر پہ امامہ نہیں ہے, ابا دوش پر نہیں ہے, ریش مبارک پر اور منہ مبارک پر گرد لگی ہوئی ہے, گریبان چاک ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. بی بی کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول, آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ فرمایا میرے حسین کو مار دیا, کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. نبی مکرم کی توجہ ہے عزاداری کی طرف, تبھی اتنے جاہ و جلال کے ساتھ پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, ہر سال کی طرح میں آپ کے 10-12 منٹ قومی مسائل کی طرف توجہ دلانے کے لیے چاہوں گا. پاکستان ایک مدت سے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. مظفر آباد سے لے کر کراچی تک, حیدرآباد, ٹنڈا لہیار, ٹھٹا, دادو, لاڑکانہ, خیرپور, جامشورو, نوشیر و فیروز, شہداد کوٹ, اسلام آباد, سرگودا, لاہور, اکاڑا, ڈیرہ غازی خان, مظفر گڑھ, چنیوٹ, ملتان, جہلم, منڈی بھاؤ دین, پشاور, مانسیرا, ان شہروں سے مسائل ہمارے سامنے ہیں. میں ان مسائل کا ذکر نہ کر کر آپ کا وقت بچا رہا ہوں, اور وہ مسائل علاقائی ہیں اور اپنی نوعیت کے ہیں. صوبائی حکومت کے ذمہ دار اور مرکزی حکومت کے ذمہ دار بھی یہاں تشریف فرمائیں, ہم ان سے ان کی ذمہ داری کے یاد دہانی اور اعادے کے طور پر یہ کہیں گے کہ ان مسائل کو ہم سے لیں اور ان کو حل کروائیں. جہاں ان کا اختیار چلتا ہے وہاں امید ہے کہ مشیران خاص, صوبائی حکومت کے مشیران خاص, وزیر اعلیٰ کے مشیران خاص تشریف فرمائیں, یہ ان باتوں کی طرف توجہ کریں گے. میں نے گزارش کی تھی کہ کل تشریف لے کر آئیں گے, اور انہوں نے اس بات کے اوپر عمل کیا اور تشریف فرمائے, جناب وقار مہدی صاحب اور ربانی صاحب. اور اسی طرح اور ذمہ دار بھی یہاں موجود ہیں. خاص طور پر یہ لسٹ, یہ فہرست میں ان کے حوالے کروں گا, اور امید کرتے ہیں کہ ایام اعظم میں جو مسائل ان شہروں کے اندر مومنین کو ہیں, ان مسائل کی طرف یہ اپنی بھرپور توانائیوں کو خرچ کریں گے. عزت انہیں حسین کی وجہ سے ملی ہے, لہٰذا اپنی عزت کو دوام دینے کے لیے انہیں امام حسین کو راضی کرنا ہوگا, اور حسین کا عزادار اگر راضی ہے تو حسین راضی ہے, حسین کا چاہنے والا اگر راضی ہے تو حسین راضی ہے. میرے ملک میں مسائل, اگر ان سارے مسائل کا خلاصہ کیا جائے تو دو اہم ترین مسئلوں کی طرف آپ کی پہلے توجہ دلاؤں. اور پہلا مسئلہ ہے فتنہ پرست تکفیری گروہ کا پاکستان کے اندر مضبوط ہونا. پاکستان کا سنی شیعہ کا دشمن نہیں ہے, پاکستان کا شیعہ سنی کا دشمن نہیں ہے. کوئی شیعہ سنی کو نہیں مار رہا, کوئی سنی شیعہ کو قتل نہیں کر رہا. ایک مخصوص ٹولہ ہے, فرقہ پرست, فتنہ پرست, تکفیری گروہ ہے, جو ایک مدت سے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ایجاد کرنا چاہتا ہے. ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہوئی, پاکستان میں سنی شیعہ جھگڑا نہیں ہوا. لیکن گزشتہ مہینوں میں جو اس شہر کے اندر موجود ایک بد تہذیب فرد نے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو کو عام کیا,
मैं मुखातिब हूं इदारों से कि आपको क्या सबूत चाहिए कि कौन इस मुल्क में फसाद फैला रहा है। कुरान मजीद बहुत ही वाज़े तौर पर ऐलान कर रहा है सूरह मुबारक बकरा के अंदर कि फसादियों को अगर रोकोगे तो खून रेज खुद ब खुद रुक जाएंगे। जब परवरदिगार आलम ने हजरत आदम की खिलाफत के ऐलान के मौके पर फरमाया तो फरिश्तों ने यह कहा था अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यफ्सिकु दिमा, या अल्लाह तू उसे बना रहा है जो जमीन पर फसाद फैलाएगा और जमीन पर खूरेजी करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान के कायदे के मुताबिक पहले फसाद सामने आता है फिर खून टपकता है। अगर मुतअल्लिका इदारे फसाद के दरवाजे को रोक लें तो खून टपकना बंद हो जाएगा। तुम कातिलों को तो पकड़ते हो, मुफ्सिदों को नहीं पकड़ते। तुम उन लोगों को तो पकड़ लेते हो कि जिन लोगों ने कत्ल किए होते हैं, ये फिर कत्ल करने वालों को ढूंढ लेंगे, फिर ये किराए के कातिलों को ढूंढ लेंगे। असल उन लोगों के गरेबानों में हाथ डालो जो फसाद फैला रहे हैं। और वो सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वो वीडियो मौजूद है जिसमें उसने कहा है कि मैं अब शियों को कत्ल नहीं करूंगा, क्या इससे बढ़कर दलील होगी कि कातिल वो है, बल्कि मैं सुन्नियों को होशियार करूंगा कि वह शियों के करीब ना जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सुन्नी होशियार है, पाकिस्तान का शिया समझदार है। ना सुन्नी उन्हें सुन्नी मानने को तैयार है, ना हम उन्हें मुसलमान मानने को तैयार। और कल भी उसने एक बयान दिया है कि आज रोजे जुमा, कल रोजे जुमा, रोजे आशूरा, हमारी मसाजिद से गुजरने वाले जुलूसों ने अगर अपनी आवाज को बंद नहीं किया तो हम ये कर देंगे। मैं मुतवज्जे कर रहा हूं इदारों को कि आपके पास जो रास्ता हो अपनाएं, जुलूस रुकने वाला नहीं है। तुम हमें नहीं बताओगे कि नमाज किसे कहा जाता है, सलवात भेजेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मरकजी जुलूस में भी नमाज जमात का एहतमाम बिरादराने आईएसओ करते हैं, आज के जुलूस में भी नमाज का एहतमाम है। नमाज का एहतराम अजान से पहले हम मजलिस खत्म कर देते हैं, इसलिए कि यह आवाज फलां मस्जिद और फलां फिरके की आवाज नहीं है, यह रसूलुल्लाह की आवाज है। यह तो फिर नमाज के लिए अजान दी जाती है, दरबारे यजीद में तो नमाज के लिए अजान नहीं दी गई थी, फिर भी इमाम सज्जाद ने अपने खुतबे को रोक दिया था। वो अजान तो नमाज की खातिर नहीं थी। अगर अल्लाह और रसूल का नाम लिया जा रहा है तो हमें उसके एहतराम में खामोश होना है, ये हमारा पुराना दस्तूर है, ये हम साबित करते आए हैं। लिहाजा फितना परस्त तकफीरी गुरोह इस मुल्क के अंदर एक मुद्दत से फसाद फैला रहे हैं, ये फसादी हैं, इन्हें लगाम दी जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने इंतखाबात में भी इन्हें इजाजत दी कि ये इंतखाबात लड़ें, जो मुल्क दुश्मन अनासिर हों, जो मुल्क को आग की के खेल में मुब्तला कर रहे हों, उनको आप इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका देते हैं, जो खुलेआम फिरकावारियत फैलाते हों। और अजीजाने गिरामी, पाकिस्तान का दूसरा मसला दहशतगर्दी का मसला है। पाकिस्तान में फिरकावारियत नहीं है, सुन्नी शिया झगड़ा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है। पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कई दहाई से अवाम बेचैनी का शिकार है, बेयकीनी का शिकार है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, कत्ल, टारगेट किलिंग, खुदकुश हमले, ये तमाम पाकिस्तान की पाकिस्तानियों के लिए एक आम सी बात हो गई है, कोई महफूज नहीं है। हर शख्स घर से निकलते हुए यकीन नहीं रखता कि वो वापस भी आएगा। और फिर ऐसे में जो इस्लाम ने, जो कुरान ने, जो अहले बैत ने निजाम दिया, उसकी मुखालिफत, इस्लाम का दिया हुआ निजाम सजा और जजा जब तक पाकिस्तान में हाकिम नहीं होगा, ये दहशतगर्दी, ये कातिल, ये फसाद फैलाने वाले रुकेंगे नहीं। गुज़िश्ता 5 साल पूरे करने वाली हुकूमत ने किसी को सजाए मौत नहीं दी, लेकिन अजीजाने ग्रामी हम गिला करते रहे गुज़िश्ता 5 साल तक, और अगर सजा मिली तो मखसूस इदारों के मकतूलों के कातिलों को सजा मिली। लेकिन इस हुकूमत ने
वो झूठे वादे किए, वो तो एक वादा नहीं है झूठा उनका जो जिस पर बात करूं, सिर्फ यही वादा नहीं था उनका कि हम सजाएं देंगे, 85 झूठे वादे थे जो इस हुकूमत ने किए। और उन झूठे वादों में एक वादा यह था कि हम अपने दौर में आने के बाद उन्हें जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने, अदलिया ने, आला अदलिया ने सजाए मौत सुना दी है, उन्हें हम लटकाएंगे, उन्हें हम फांसी देंगे, उन्हें हम सजाए मौत देंगे। लेकिन इन्होंने आने के बाद उसी पर स्वाद किया जो पिछली हुकूमत ने किया था। आपने वादा किया, धोखा दिया। हम ये हजारों की तादाद में यहां बैठे हुए अजादार और शाहराहों पर और जुलूस में मौजूद अजादार सब एक ऐलान कर रहे हैं, और ये हमारी कौमी पॉलिसी है, ये मरकजी मेंबर है, मरकजी मजलिस है, हमारी कौमी पॉलिसी है, अगर कुरान और अहले बैत, नबी और अहले बैत की तालीमात के खिलाफ पाकिस्तान में कोई कानून बना, यानी अगर कुरान के दिए हुए निजाम जजा और सजा को मुअत्तल किया गया, तो ये अजादार अपने घरों से निकल आएंगे और पाकिस्तान को गैर मुस्लिम सल्तनत नहीं बनने देंगे। इस दहशतगर्दी में बहुत लोग मुतासिर हुए हैं मेरे अजीजों, एक तवील फहरिस्त है मजलूमों की, बड़ी कर्बनाक दास्ताने हैं। उन बेवाओं से पूछो, उन यतीमों से पूछो जिनका सरपरस्त उनसे छीन लिया गया, उन मुतासरीन और उन घरानों से जाके पूछा जाए कि जिनकी उम्मीदें, जिनका मुस्तकबिल ताबनाक नजर आता था और अब उन्हें तारीख नजर आता है, क्या हुआ उनके सरपरस्तों के साथ। वो शोहदा, वो फौज के शोहदा हों, हालात पेश नजर रहे, बयानबाजी पेश नजर रहे, मैं एक इंतहाई जामे जुमला आपकी खिदमत और समात के हवाले कर रहा हूं। वो फौज के शोहदा लायक सलाम है, वो रसाए शोहदाए पाक फौज हमदर्दी के लाहिक हैं, और हमारी तमाम तर हमदर्दियां पाकिस्तान की फौज के अंदर शहीद हो जाने वाले शोहदा के वारिसों के साथ हैं। पुलिस के शोहदा, रेंजर्स के शोहदा, उनके वारिसों के साथ हम हमदर्दी का ऐलान और इजहार कर रहे हैं। मगर साथ में इस साल पूरे पाकिस्तान में 556 शिया शहीद हुए हैं, कराची से लेके मुजफ्फराबाद तक के मुख्तलिफ शहरों में एक साल में 556 शहीद हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा क्वेटा में मोमिनीन शहीद किए गए। क्वेटा के शहीदों की तादाद अजीजाने ग्रामी 262 है, 262 अफराद क्वेटा में इस एक साल में शहीद हुए हैं, 33 अफराद पंजाब में शहीद हुए हैं, 147 सिंध में शहीद हुए हैं, कराची मिलता है इसके साथ, 134 खैबर पख्तूनख्वा में मोमिनीन शहीद हुए, 134 एक साल में शहीद हुए, गिलगित बल्तिस्तान में 4 शहीद हैं हमारे, और मजमूई तादाद 556 है एक साल में शोहदा की। तो जहां पाक फौज के शोहदा और उनके वारिस हमदर्दी का मुतालबा करते हैं और हक है उनका, रेंजर्स और पुलिस के शोहदा, वहां इन शोहदा को भी नजरअंदाज ना किया जाए। अजीजाने गिरामी, हमारे कौमी मसाइल में बहुत ही उम्दा और बहुत ही मोटे मोटे मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूं। कानून साजी का मरहला अब तक बाकी है, आर्टिकल 227 के तहत पर्सनल लॉ का मुतालबा यह है कि जब कोई शख्स अदालत में जाए तो उसकी फिकह के मुताबिक, उसके मसलक के मुताबिक फैसला किया जाए, मगर जब फिकह जाफरिया का बंदा अदालत में जाता है तो फिकह हनफिया के मुताबिक उसे फैसला सुना दिया जाता है। तलाक और खुला हम फिकह हनफिया के मुताबिक ले रहे हैं, मोहतरम है तमाम फिकह सबके लिए, हम भी उनका एहतराम करते हैं इसलिए कि एक बहुत बड़ा तबका उसका मानने वाला और उसके ऊपर अमल करने वाला है। लेकिन पाकिस्तान का कानून आर्टिकल 227 ये कहता है कि शिया कौम, सुन्नी कौम, मालिकी, शाफई, हम्बली, इन सबको उनकी लॉ के मुताबिक, उनकी फिकह के मुताबिक फैसला सुनाया जाए, हर एक को उसकी फिकह के मुताबिक फैसला सुनाया जाता है, मगर हमें हमारी फिकह के मुताबिक फैसला नहीं सुनाया जाता। इस आर्टिकल के अंदर
शिक नंबर एक के तहत कानून बनाया जाएगा और शिक नंबर दो के तहत उसे नाफिज किया जाएगा। मुतालिका अफराद तवज्जो करें और हमारे इस भरपूर मजमे को महसूस करते हुए इनकी तरफ तवज्जो करें। अजीजों, निसाब तालीम में ज्यादतियां हैं। 100% जिस स्कूल में और जिस इलाके के अंदर अली उन वलीउल्लाह तक कलमा पढ़ने वाले बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उन स्कूलों के अंदर उन बच्चों को वो तालीम दी जाती है जो उनके अकीदे का हिस्सा नहीं है, जो उनकी तालीमात का हिस्सा नहीं है। शहीद जियाउद्दीन शहीद कर दिए गए इस राह में तहरीक चलाते हुए। निसाब तालीम के अंदर तसहीह की जाए और बेहतरी लाई जाए। हम नहीं कहते कि आप दीनियात की किताबों में नमाज ना दिखाएं, हम कहते हैं नमाज जमात की तस्वीर छापिए और आगे खड़ा हुआ इमाम जमात दिखाइए जो हाथ बांधा हुआ हो, इसलिए कि अक्सरियत इस मुल्क में अहले सुन्नत की है, और पीछे जो सब दिखाइए उसमें चार खोले हुए दिखाइए, चार बांधे हुए दिखाइए, ताकि बच्चों में बर्दाश्त भी बढ़े और यह तसव्वुर भी सामने आए कि यहां सुन्नी भी रहता है, यहां शिया भी रहता है। पाकिस्तान में 8 इदारे हैं, 8 इदारे जिनमें हमारे बारे में फैसला होता है और हमसे मशवरा नहीं होता। वजारत मजहबी उमूर में हमारी कुर्सी थी जो मुअत्तल है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में हमारी नुमाइंदगी तनासुब के साथ नहीं है। फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर हमारी नुमाइंदगी नहीं है, फैसला हमारे लिए होता है। इदारा तहकीकात इस्लामी में फैसला हमारे लिए होता है और हमारी नुमाइंदगी नहीं है। महकमा बैतुल माल में फैसले हमारे बारे में होते हैं, हमारी नुमाइंदगी नहीं है। जरा इबलाग, वफाकी तालीमी काउंसिल, इस्लामी यूनिवर्सिटी, इन तमाम इदारों के अंदर अजीजाने गिरामी हमारी नुमाइंदगी नहीं है। हमारी नुमाइंदगी इन इदारों के अंदर हमारा हक है। हम भीख नहीं मांग रहे, वैसे भी मांगने वालों को मानते ही नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। इस मुल्क में हमारे हुकूक की पामाली है। हसास इदारों में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, जबकि उसमें हमारे लोग नौकरी कर रहे हैं। चौथा नुक्ता, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रियासत अगर फिरकावारियत फैला रही हो, हुकूमती सतह पर अगर फिरकावारियत फैलाई जा रही हो, जिसकी दलील दे रहा हूं, दसियों इदारे ऐसे हैं पाकिस्तान में सरकारी इदारे जिनमें मुलाजिमत के फार्म में फिरके का कालम है, लिखो सुन्नी हो या शिया हो, शेम और शर्म का मरहला है। आप खुद अपने हाथ से फिरकावारियत को फैला रहे हैं। अगर यह लिखेगा शिया हूं क्या होगा इसके साथ, अगर ये सुन्नी लिखेगा तो क्या होगा इसके साथ। सरकारी इदारों में उस फार्म के अंदर से वो कालम खत्म किया जाए जो कालम फिरकावारियत का कालम है और फिरके का कालम है। जेलों के अंदर मुनासिब तालीम का इंतजाम नहीं है। वजीर जेल खाना जात खास तौर पर सूबह सिंध के उनके रुफका तशीफ फरमाए, वो उन्हें मुतवज्जे करें कि हर जेल के अंदर तालीम का बेहतर निजाम होना चाहिए। दहशतगर्दी में जो शहीद हुए हैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, उनके फर्जंदान को खास तौर पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन कॉलेजों में खुसूसी उनके लिए निशस्त और सीट बहाल की जाए, उन्हें दाखिला दिया जाए। इसका बाप डॉक्टर था, मसीहा था पाकिस्तान का, इसके बेटे को पढ़ने का मौका दिया जाए। इसका बाप इंजीनियर था, इसका बाप प्रोफेसर और प्रिंसिपल था, इसकी औलाद को पढ़ने का मौका दिया जाए। अजीजाने ग्रामी, मैं अपने बयान को एक मंजिल देते हुए एक और जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करके मंजिल लूं, और वो जुमला यह है कि अपने कौमी इदारों का भरपूर साथ दीजिए और अपने कौमी इदारों को एहतराम की निगाह से देखेंगे। शिया उलमा काउंसिल, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, ISO, JSO, शिया एक्शन कमेटी, जाफरिया यूथ, SRC, स्काउट, पयाम विलायत, कयाम, बूतराब स्काउट, मरकजी तंजीम अजा, तंजीम आजादारी, जाफरिया अलायंस, शिया सुन्नी इत्तेहाद, पाक मुहर्रम एसोसिएशन, शहीद फाउंडेशन, JDC, ये सारे हमारे कौमी इदारे हैं। और याद रहे कि हमारे कौमी इदारों का बढ़ना ऐब नहीं है, लड़ना ऐब है। और बनने चाहिए इदारे, शोबे बनने चाहिए, तकसीम होना चाहिए काम को, लेकिन इनमें तसादुम नहीं होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारों में तसादुम नहीं है, और उम्मीद है कि नीचे की सतह के ऊपर भी जिम्मेदार अपने तसल्लुत को बढ़ाएंगे और नीचे की सतह में कारकुनों के दरमियान भी
برداشت کی فضا، خلوص، سچائی، للہیت، اللہ کی خاطر کام کرنے کو عام کریں گے. اور یقیناً یہ سارے ادارے ہماری قومی ادارے ہیں. اور عزیزو، میں آپ کے توسط سے یہ جملہ کہہ کر منزل مصائب کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر چلوں، وہ یہ کہ آمادہ رہیے بڑی سی بڑی قربانی کے لیے. مگر اگر قوم کے کسی بھی فرد کے بارے میں یہ خبر آئے کہ اسے، یا کسی بھی اجتماع کے بارے میں خبر آئے کہ وہاں یہ حادثہ یا یہ وہاں مشکل پیش آئی ہے، تو جلوس رکنے نہ پائے، ماتم متاثر نہ ہونے پائے. آپ نے ثابت کیا ایسا، یہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ میرے کہنے پہ عمل کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں آپ کے عمل کی تائید اور دہرا رہا ہوں اس کے، آپ نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے. میں کچھ آپ کو پڑھا نہیں رہا، میں آپ کو سکھا نہیں رہا. آپ مل کر جواب دیں، مل کر جواب دیں. امام حسین کا غم ہم نے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اسے پورا کیجئے. ہم نے اپنے کسی عزیز کے جنازے کا عہد اٹھانے کا عہد نہیں کیا، وہ ایک واجب کفائی ہے، کوئی بھی کر لے گا، لیکن یہ وعدہ ہمارا ہے، جلوس کی شان میں کمی نہ آنے چاہیے، نہیں آنی چاہیے. اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی شوق و ذوق کے ساتھ، اسی عشق کے ساتھ یہ جلوس آگے بڑھے گا. اور یہ پہلی دفعہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو ہم تو عادی ہیں، ہم تو ایک طویل داستان رکھتے ہیں، ہم تو علی اکبر رکھتے ہیں. آج نو محرم ہے، ابھی جناب اشرف عباس صاحب نے تقدم ولدی کا مرثیہ پڑھا، علی اکبر اٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی قربانی مؤخر ہو جائے. آج عزادارو، میرا دل کہتا ہے کہ میں دو شہزادوں کا تذکرہ کروں، ایک علی اکبر اور ایک علی اصغر. آج نو محرم ہے، میرے مولا امام حسین اپنے علی اکبر کو سوار رہے ہیں، نبی کا امامہ حضرت علی اکبر کے سر پہ رکھ دیا، نبی کا لباس حضرت علی اکبر کو پہنا دیا، اور پھر حتیٰ یہاں تک لکھا کہ وہ سواری جو نبی مکرم جس پر بیٹھے تھے وہ حضرت علی اکبر کے حوالے کر دی، اور کہا بیٹا جاؤ اللہ کے دین پر اپنی جان کو میری جانب سے قربان کر دو. علی اکبر روانہ ہوئے. سنیں گے عزاداروں، جیسے ہی علی اکبر کا گھوڑا آگے بڑھا، محسوس کیا کہ پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ ہے، جو آواز دیتے جا رہے ہیں محلن محلا، اے علی اکبر آہستہ چلو. فوراً گھوڑے سے اتر آئے، بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی. فرمانے لگے کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، تب میں پوچھتا کہ کیسے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دی جاتی ہے. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو آج رونے کا دن ہے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے، پرسہ دیں گے. جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ ان رونے والوں پر رحمت نازل فرما، یہ میرے جد حسین پر گریہ کر رہے ہیں. امام محمد باقر مصلی بچھا دیتے ہیں عزاداروں کے لیے، یا اللہ انہیں کوئی غم نہ ہو، اس لیے کہ یہ غم حسین میں وابستہ ہے. اجرکم اللہ. علی اکبر کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا. روانہ ہوئے جناب علی اکبر میدان کربلا میں، اور جہاد کا وہ منظر پیش کیا کہ حیدر کرار یاد آنے لگے، اور اس گھرانے کے جعفر طیار یاد آنے لگے. ایک بہت بڑے لشکر کا مقابلہ علی اکبر سے ہوا، آواز دی ہے ام لیلہ، ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، دعا کرو میرا لال سالم لوٹا ہے. عزاداروں واحد شہید ہیں جو جا کر واپس آئے ہیں،
یعنی جانے کے بعد شہادت کے بغیر ایک مرتبہ علی اکبر واپس آئے. جناب ام لیلہ خیمے میں گئی, قرآن سر پر رکھ لیا, آواز دیا یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. بس ابھی ماں کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ تکبیر کی آواز آئی, در خیمہ پر آ کر دیکھا علی اکبر بابا سے باتیں کر رہے ہیں, اور بات یہ کر رہے ہیں بابا اسلحے کی گرمی نے مار ڈالا, بابا اس زرہ کی اور اس خوت کی گرمی نے مار ڈالا, اگر دو گھونٹ پانی کے مل جائیں تو میں بتاؤں کہ کس کا پوتا ہوں, میں اس دشمن کو بتاؤں کہ کس کا پوتا ہوں. ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے لو شاید تمہیں تسکین ہو جائے. لیکن علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان حسین کی زبان سے ملائی آواز دی, بابا آپ اس کربلا کی زمین پر سب سے زیادہ پیاسے ہیں. شاعر نے چار مصروں میں اس منظر کو باندھا ہے. شاعر کہتا ہے ادھر مادر خیمہ سے دیکھ رہی ہے, ادھر حسین اپنے علی اکبر سے بات کر رہے ہیں. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا, کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو. تکلف نہیں کرے زادارو, آواز اپنی آزاد چھوڑے, پرسہ دیں, آوازوں کو بلند کریں. جب مجلس میں آواز بلند ہوگی صاحب اس زمان کی توجہ ہوگی. اپنے ذہن میں لائیے امام زمانہ کو. ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا, کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا, شاید چند گھونٹ پانی کے چند قطرے پانی کے نکل آئے. علی اکبر جاؤ تمہارے نانا سہراب کریں گے. علی اکبر نے جہاد کیا, سینے میں برچی آ کر لگی, آواز دی بابا سلام. حسین نے آواز دینا شروع کی, علی اکبر تمہارے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا, آواز دیتے رہو. اجر و کمال اللہ, پہنچے ہیں اپنے لال کے لاشے پر, کیا دیکھا علی اکبر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. بیٹا یہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ بابا سے چھپانا چاہتے ہیں شاید جناب علی اکبر, کہیں بابا دیکھیں اور برداشت نہ ہو پائے. میرے مولا نے ہاتھ اٹھایا تو برچی کا پھل ٹوٹا ہوا تھا, جو سینے میں برچی اتری ہوئی تھی میرے مولا نے اسے ہلانا چاہا, علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی. کہا علی اکبر یہ کیا ہوا؟ کہ بابا ایک ظالم نے برچی ماری ہے. حسین نے اپنا ایک گھٹنا زمین پر رکھا, علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا چاہا, علی اکبر تڑپنے لگے, آواز دی نانا آئیے اپنے ساتھ ابراہیم کو بلائیے, میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. ایک مرتبہ برچی کا پھل نکلنا تھا, خون ابلنے لگا سینے سے, جناب علی اکبر کے سینے پر سینہ رکھ دیا, لبوں پر لب رکھ دیے, پیشانی کا بوسہ لینے لگے. اب علی اکبر کی روح پرواز کر رہی ہے, میرے مولا نے سینے سے لگایا ہوا اپنے بچے کو لاشا اٹھانا چاہتے ہیں, کیسے اٹھائیں جس کی کمر عباس کے جانے سے ٹوٹ گئی ہو, جس کی آنکھوں کا نور علی اکبر کے جانے نے لے لیا ہو, وہ لاشا کیسے اٹھائے گا؟ عزادارو امام حسین لاشا تو لے کر آئے مگر کیسے لے کر آئے؟ مقتل کا بیان ہے, چھ مرتبہ زمین پر رکھا, پھر لاشا اٹھایا, اور ایک ایسا مرحلہ آیا آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ, بوڑھے باپ سے لاشا نہیں اٹھتا. اجرکم اللہ. عزادارو اس عزا خانے میں جناب علی اصغر کے مصائب اب تک نہیں ہوئے ہیں. مجھے دو جملے جناب علی اصغر کے مصائب پڑھنے دیجئے. حسین کا علی اکبر چلا گیا, میرے مولا اکیلے رہ گئے, میدان کربلا میں پہنچے, حل من ناصر ینصرنا, خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین نے ذوالجناح کو موڑا, آواز دی اے زینب ابھی حسین زندہ ہے, تمہارے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. کہ بھیا جب آپ مدد کو پکارتے ہیں تو دشمن تو مدد نہیں کرتا, یہ چھوٹا سا بچہ خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے. کہا اے زینب اس بچے کو میری گود میں لا کر دے دو, میں اسے پانی پلا کر لے آؤں. ایک ماں ہے سلام ہو رباب پر, ایک ماں ہے جس نے اجلا سا کرتا پہنایا, جناب علی اصغر کو مجاہد بنایا, امام حسین کی گود میں دے دیا. حسین
حسین علی اصغر کو لے کر چلے, میدان کربلا میں آواز دی, اے قوم اشقیا اگر مجھے پانی نہیں پلانا چاہتے تو اس بچے کو پانی پلا دو. عزادارو آپ نے گریہ کر لیا, ایک جملہ سن لیجئے, امام حسین نے جناب سکینہ سے کہا تھا جب کٹے ہوئے سر کے ساتھ اس بدن کے ساتھ سکینہ بیٹھی تھی شام غریبہ میں, تو بابا کے گلے سے آواز آ رہی تھی سکینہ جب مدینے واپس جاؤ. میرے مولا نے بھی سکینہ سے ہی کہا جب مدینے واپس جاؤ تو میرے شیعوں کو سلام کہنا اور کہنا یاد کرو جب تمہارا مولا پانی مانگ رہا تھا. یہ علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے, کہا اگر مجھے پانی نہیں پلانا چاہتے اس بچے کو پانی پلا دو, اور جب پانی نہیں دیا گیا تو کہا علی اصغر تم خود بتا دو کتنے پیاسے ہو. عزادارو گریہ ہو گیا, امام حسین نے ایک تشبیہ کا سہارا لیا ہے اپنے بچے کے لیے. عزادارو مجھ سے ایک جوان پوچھنے لگا کہ محرم میں بعض خانوادوں میں مچھلی نہیں تلی جاتی, مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں تلی جاتی, لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے حسین نے اپنے بچے کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. میرے مولا نے فرمایا اما ترونا, بس آخری جملے آپ نے گریا کر لیا, اما ترونا کیفا یتللتا, تم دیکھ نہیں رہے یہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور بند کر دیتا ہے, یہ کچھ دیر کا مہمان رہ گیا اسے پانی پلا دو. اے مسلمانوں تمہارا حسین تم سے پانی مانگ رہا ہے, ماتم حسین. چلیے جو
साथ साथ जुलूस के आगे बढ़े ताकि जुलूस को अपनी मंजिल की तरह करो आना मोहम्मद अपने अब सब की थे मिसाल ज़ैनब के दोनों लाल माने निसार उन्हें भी बिरादर पे कर दिया फिर भी मेरा हुसैन वहां के निहायत हसीन था कितने Thank you.